प्रिय दोस्तों नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं ये गंधराज गार्डेनिया का पौधा है और इनकी पत्तियों को कीड़ों ने खा लिया है। देखिए आपके सामने है, देखिए इन पत्तियों को देखिए और इधर भी देखिए, आप देख रहे हैं और इधर भी आप देखेंगे तो कीड़ों ने खाया हुआ है और इधर भी अगर आप आते हैं तो देखिए इधर भी कीड़ों ने खाया हुआ है। आज मैं आपको गंधराज के पौधे में कौन सा ऐसा कीटनाशक डाला जाए जिससे गंधराज का पौधा आपका निरोगी बना रहे, कोई कीड़े इसमें ना लगें। दोस्तों साथ ही साथ मैं ऐसे फर्टिलाइज़र की भी आपको इस पौधे के लिए जानकारी दूंगा जिसे अगर आप पौधे में डालते हैं तो ढेरों फ्लावरिंग होगी और पौधा आपका हमेशा हरा भरा और घना बना रहेगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। दोस्तों पहले तो हम इन इन्फेक्टेड पत्तियों को निकाल लेंगे, चाहे आप इसे उंगली के माध्यम से निकाल लीजिए, चाहे आप इसे कैंची के माध्यम से निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से ये पत्तियाँ निकल जाएंगी। और इस पौधे को आपने दूसरे पौधों से थोड़ा दूर भी रखना है कि दूसरे पौधे भी इन्फेक्टेड ना हों। देखिए इधर भी पत्ती में कीड़ा लगा हुआ है, इसे भी निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी लगा हुआ है। इसी प्रकार से सारी पत्तियों को जो इन्फेक्टेड हैं, जिनमें कीड़े लगे हुए हैं, इनको आपने निकाल लेना है और पौधे को दूसरे पौधों से आपने दूर रखना है। दोस्तों आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां भी कुछ पीली दिखाई दे रही हैं आपको। इसको एसिडिक सॉइल पसंद है और इसमें जो है एसिडिक की मात्रा सॉइल में कम है। अब हम पहले क्या करेंगे, पौधे की गुड़ाई करेंगे। देखिए पौधे की गुड़ाई करेंगे, जो खरपतवार है इसको हम निकाल लेंगे। जड़ से दूर करना है गुड़ाई। देखिए इसमें सदाबहार के भी पौधे हैं दोस्तों, देखिए। और इसमें देखिए ये आप देख रहे हैं घास भी है। और इधर आप देखेंगे तो एक पौधा, ये देखिए आप छुई मुई का भी इसमें है। देखिए इसमें फूल आ रहे हैं छुई मुई में। इसको एसिडिक बनाने के लिए सॉइल को हम क्या करेंगे, हमने ड्राई टीलिप्स का देखिए लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया हुआ है। ये देखिए एक चम्मच ड्राई टीलिप्स से, सूखी चाय की पत्ती से देखिए मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया हुआ है। 1 टीस्पून चाय की पत्ती आप ले लीजिए और 1 लीटर पानी में इसे आपने भिगोना है 24 घंटे के लिए। देखिए ये बन गई है। दोस्तों अब इसमें 2 लीटर पानी और मिला लेंगे। देखिए लेकिन हमें जितना ज़रूरत है हम उतना ही मिलाएंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और देखिए इसको हम थोड़ा इसमें डाल लेंगे। पहले मैंने थोड़ा पानी लिया हुआ है और पौधे की मिट्टी में हम डालेंगे इसको। ये एसिडिक की कमी जो होती है मिट्टी में, मिट्टी को एसिडिक बना देती है ये। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ इसमें शामिल है। वे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं चाय की पत्ती के लिक्विड फर्टिलाइज़र में, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ख़ास तौर से गंधराज के पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अब मैंने आपके सामने देखिए ये काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। मैंने थोड़ा पानी लिया हुआ है, इसे भी मैंने 24 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे। ये गंधराज के पौधे के लिए बहुत ही शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइज़र है।
इसमें वे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। देखिए थोड़ा इसको भी हम पौधे में डाल देंगे, चारों तरफ डालना है दोस्तों। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं पर हमारी बात खत्म नहीं हो जाती है, हम थोड़ा सा इसमें हल्दी, देखिए ये मेरे पास हल्दी पाउडर है, देखिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे चारों तरफ। हल्दी में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। थोड़ा इसको इसमें मिक्स कर देंगे, घोल में मिलाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों इससे पौधे की जड़ में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। दोस्तों आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस पौधे में आपने उतना ही पानी देना है जितना पौधे की मिट्टी में जरूरत है। ओवर वाटरिंग इस पौधे में नहीं होना चाहिए और हमेशा मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। आपने इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। गर्मी के मौसम में जब ज्यादा धूप पड़ती है उस समय आपने इस पौधे को ग्रीन नेट में रखना है। हाँ, सुबह सुबह की और शाम की धूप आप इसे दिखा सकते हैं। हाँ, अभी सर्दियों का समय आ रहा है, ऐसे समय पर आपने इसे फॉग, कोहरे से आपने इसे बचाकर रखना है। ऐसी स्थिति में आपने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना है या आप इसे ढांक कर भी रख सकते हैं। जब सुबह सर्दी के मौसम में धूप निकलती है तो आपने इस पौधे को धूप में निकालना है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बनी रहेगी और सर्दियों के बाद भी आपको यह हरा भरा और घना दिखाई देगा, ढेरों फ्लावरिंग होगी इसमें। दोस्तों इस पौधे को घना बनाने के लिए इनके टिप्स को भी आपने तोड़ते रहना है, इससे मल्टीपल ब्रांचेस इसमें निकलेंगी, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ भी देखिए टिप्स है, इसे भी आपने निकाल देना है। दोस्तों ड्राई टी लीव्स की जगह पर आप यूज्ड टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाय छानने के बाद जो चाय की पत्ती यूज्ड निकलती है उसे आप धो करके अच्छी तरीके से उसमें से अदरक इलायची और चीनी का जो अंश है जब वो निकल जाता है तो उसे आप सुखाकर और उसको भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर, चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई करके भी अगर आप यूज्ड टी को अगर आप सुखा कर इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी प्रयोग पौधों में कर सकते हैं, पौधे के लिए वह भी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इसमें कीड़े लग रहे हैं गंधराज के पौधे में, इसे कैसे दूर किया जाए। इसके लिए देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो देखिए ये डिटर्जेंट पाउडर है और एक मैंने लिया हुआ है डिटॉल हैंड वॉश, आप देख रहे हैं, और दूसरा मैंने लिया हुआ है क्लिनिक प्लस शैम्पू। कोई भी शैम्पू हो सकता है, कोई भी हैंड वॉश हो सकता है, कोई भी डिटर्जेंट हो सकता है। दोस्तों तीनों में से एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कीटनाशक इसका बना सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप देखिए ये डिटर्जेंट पाउडर लेते हैं तो देखिए इतना पाउडर मात्रा देख लीजिए, 1 लीटर पानी में अच्छी तरह आपने इसे घोल लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिल जाता है तो इसे आप एक बोतल में भर के और पूरे पौधे में स्प्रे कर दीजिए, कोई भी पत्ती छूटनी नहीं चाहिए। अगर आप डिटॉल हैंडवाश का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए इसकी 5-6 बूंदें ले लीजिए, सफिशियंट है 1 लीटर पानी। और अगर आप क्लिनिक प्लस शैम्पू या कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी भी आप 4-5 बूंद 6 बूंद ले लीजिए, 1 लीटर पानी में ही आपने इसको सबको मिलाना है। लेकिन हाँ एक ही मिलाना है तीनों में से। दोस्तों देखिए मैंने इसे स्प्रे बोतल में भर लिया है। दोस्तों इसे अब मैं पूरे पौधे पर स्प्रे करूंगा, देखिए लिक्विड बिल्कुल तैयार है, कोई भी पत्ती छूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों इसे आपने हफ्ते में 3 बार शाम को स्प्रे करना है और ध्यान आपने ये भी रखना है कि जब आप स्प्रे कर देते हैं तो 2 घंटे के बाद आपने नॉर्मल पानी से पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। ऐसा इसलिए कि 2 घंटे के अंदर तक जो असर रहता है इस लिक्विड का
पत्तियों पर। उसके बाद जब आप सादे पानी से स्प्रे करेंगे तो वो असर इसका ख़त्म हो जाए। और कभी भी आप स्प्रे करते हैं, पौधे की मिट्टी में पानी होना चाहिए, कहने का मतलब मिट्टी में नमी होनी चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद ही आपने स्प्रे करना है इसका। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा लग रहा है पौधे में, कोई चींटी लग रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, इससे समाप्त हो जाएगी। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर पौधा आपका हरा भरा और घना बन जाएगा, निरोगी भी हो जाएगा। दोस्तों, जिन फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है, इसका ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है। मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप देख सकते हैं और आप अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुलसी हॉली बेसिल पौधे की देखभाल कैसे की जाए, इसे हरा भरा और घना कैसे बनाया जाए का मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। और देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है, पौधा निरोगी है, देखिए आपके सामने है। देखिए मैंने इसमें कुछ काम आपके सामने किए थे। देखिए दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी के पहले आप तुलसी के पौधे में आप जो काम मैंने बताए थे वो काम आप जरूर करें, आपका पौधा हरा भरा घना और निरोगी बना रहेगा। साथ ही साथ आपका तुलसी का पौधा सर्दी में मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं।